रहे हैं हमीरपुर टाइम्स न्यूज। मयंक खरे के अपहरण का हुआ खुलासा। इसाक इकबाल और पन्नू चतुर्वेदी सहित 11 लोग पुलिस की गिरफ्त में। टीकमगढ़ पुलिस द्वारा विगत 14 दिनों में लगातार मेहनत, लगन और सूझबूझ से कार्रवाई करते हुए नरसिंह कॉलोनी टीकमगढ़ के मयंक खरे के अपहरण के मामले को सुलझा लिया है एवं प्रमुख आरोपी इसाक खान, इकबाल खान एवं पन्ना लाल चतुर्वेदी को उनके सहयोग करने एवं साक्ष्य को छुपाने, साक्ष्य नष्ट करने एवं षड्यंत्र में शामिल होने वाले प्रमुख आरोपी आबिद खान, फातिमा बेगम, रहमान खान, मजीद खान, शहीद खान, रहीम खान, कल्लू खान, वहीद खान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बताते पुलिस महानिरीक्षक सतीश सक्सेना, पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल महेश्वरी, पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ अनुराग सुजानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया के मार्गदर्शन एवं SDOP सुरेश सेजवाल, TSP सुरेंद्र सिंह, FSL अधिकारी श्री सुरेश सेजवाल, DSP योगेंद्र सिंह, FSL अधिकारी श्री यादव के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी कोतवाली टीकमगढ़, निरीक्षक अनिल सिंह मौर्य, थाना प्रभारी जतारा आनंद सिंह परियार, थाना प्रभारी बमोरी कला, उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह पवार, थाना प्रभारी थिलौरा, उत्तर प्रदेश निरीक्षक हिमांशु भिंडिया, उप निरीक्षक हरीश सोलंकी, वही नीतू सिंह व अनुजा मिश्रा, रघुराज सिंह, कई पुलिस कर्मचारियों द्वारा लगातार 14 दिन तक सूझबूझ एवं मेहनत से कार्य करते हुए पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने में सफलता प्राप्त हुई है। थाना कोतवाली टीकमगढ़ क्षेत्र में दिनांक 25/9/19 के करीब शाम 5 बजे मयंक पिता सुभाष चंद्र खरे घर से बिना बताया गया था, जो उसके भाई प्रियंक खरे द्वारा रात्रि 1 बजे मयंक के घूमने की रिपोर्ट कोतवाली टीकमगढ़ की गई थी। बता दें गुम इंसान 61/19 तत्काल कायम कर गहराई से जांच करते हुए अधिकारी इसकी तलाश करने में हेतु हर संभव प्रयास किए गए। वही मोबाइल फोन के बंद हो जाने एवं परिजनों को मयंक द्वारा गुमराह करने से पुलिस को काफी परेशानी हुई। बता दें मयंक खरे के अपहरण में इसाक की भूमिका को देखते हुए दिनांक 1/10/19 को धारा 365 तारीख को प्रकरण पंजीकृत किया गया था। इन अधिकारियों ने बड़ी सक्रिय भूमिका इसमें निभाई है। ये वास्तव में इस तरीके प्रकरण था, इससे कुछ राजनीतिक लोग अपनी कमियां गोटियां भी खेल रहे थे, उसमें प्रकरण का पर्दाफाश करने के लिए टीकमगढ़ पहुंचा। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। घटना में 50,000 रुपये का इनाम आरोपी को घोषित का अलग अलग प्रकार 25,000 रुपये पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित कि आपको मालूम है 25 सितंबर से मयंक खरे नाम का एक युवक यहाँ से आता था, जिसकी घूम चुकी थाना कोतवाली में टच की गई थी और मयंक के विषय में तमाम जानकारियाँ करने के बाद कोई उसका ना पता लग रहा था ना उसका मोबाइल चालू था, यानी किसी भी प्रकार से कोई नहीं हो पा रही थी और पुलिस जो कि अंधेरे में सुई खोज रही थी, ऐसा काम कर रही थी। लेकिन लगातार टीकमगढ़ पुलिस इसकी तरफ निर्देशन धीरे धीरे सुराग हो चुकी है। बाद में यह पता लगा कि वो ईसा नाम के व्यक्ति के साथ दिखा गया और उनको डेवलप किया गया तो ये जानकारी लगने लगी कि शायद मैं इनको ला दिया गया है और अब चिंता नहीं है। ये जानकारी जब हमको लगी तो थोड़ा सा हम लोगों ने उसको रक्षा की दृष्टि से गोपनीय रखा, चीज को आरोपियों को ढूंढने के प्रयास शुरू किए। पहले इजाक हमको पकड़ में आया, इजाक से जब पूछताछ की गई तो इजाक ने घटना कभी कथा शुरू की कबूल किया। उसके बाद इजाक ने अपने एक रिश्ते में चचे लगाई इकबाल के साथ, इकबाल को भी ढूंढा गया, इकबाल भी हमको इसके घटना इजाक को मिलने के बाद इकबाल को भी पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। जब ये सब पूछताछ की गई तो लोगों ने मयंक को
25 तारीख को पार्टी के बहाने ले जाने ले गए थे और ले जाके इस दौरान एक साथ में अपनी बंदूक भी अपने साथ रखी थी, 12 गोली की बंदूक। और पहले बोले कि मेरे को फायर करने की इच्छा हो गई है, पहले फायर उनसे कराया माइन खड़े से और बाद में बोला कि अब माइन तुमने फायर कर लिया, तुम अभी फायर करूँगा। और उसने अपनी कार में इधर टैक्सी ड्राइवर उसके पास एक इंडिका विस्टा गाड़ी थी, उसी गाड़ी पर इस साथ में माइन के कंधे पर फायर किया। तो उससे गोली का दिखा भी करा, लेकिन तब तक वो उसकी मृत्यु नहीं मिली। फिर एक वाहन बनारा गाँव में पहुँचे, बनारा गाँव में ये इकबाल रास्ते पर रहता था। इकबाल के पास जब इस पहुँचा उसे बताया गया था क्या हुई है और ये सब मेरे साथ में है। इकबाल और एक साथ दोनों फिर गाड़ी को लेकर आगे चले और रास्ते में इसका गला मारने के बाद में उसी रात को उन्होंने एक सफेद चादर में उसको लपेट कर हसार नदी जो बिरौली के पास हसार नदी का ब्रिज है, 25 तारीख को आपको याद हो तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, नदी का बहाव बहुत तेज था, बारिश जा के गेट खुले हुए थे, तो उस ब्रिज से लाश को बाहर लाश 10 दिन तक लाश को ढूंढने का प्रयास करते थे। लगभग 100 लोगों से अधिक लोगों की मदद ली गई लाश को ढूंढने में, किंतु हमें लाश नहीं मिल सकी। शव को ढूंढने का प्रयास अभी भी हमारा जारी। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में इसाक और इकबाल के अलावा 9 आरोपी कुल मिलाकर गिरफ्तार किए गए हैं।